कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव संतोष श्रीवास्तव आज बिहार से अयोध्या पहुंचे। उदयपुर की घटना को लेकर पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक राजनीतिक दल के लोग धार्मिक उन्माद की बात करते रहेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी सख्ती के साथ प्रशासन को अपराधी को पकड़ने में लगा दिया और 70 किलोमीटर पीछा करने के बाद उसको पकड़ लिया गया। आज भाजपा अच्छे दिनों की बात कर रही है, लेकिन ये अच्छा दिन देश के हित के लिए नहीं है। हमने अपनी सरकार रहते कभी विपक्षियों की आवाज़ दबाने की किसी भी संस्था को नहीं लगाया, लेकिन भाजपा आज सच बोलने वालों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़वा रही है। आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सभी विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो निर्दनीय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मानित लोग महानगर अध्यक्ष वेद कमल सिंह, राजेंद्र सिंह, उमेश उपाध्याय, शिव पूजन पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा, मोहम्मद आरिफ उपस्थित रहे। फैजाबाद जिला कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव का जिला निर्वाची के रूप में नियुक्त किया गया है और उसी दरमियान हम यहाँ आए हैं। जिला के कांग्रेस के सम्मानित साथी जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, महानगर के अध्यक्ष हैं, यहाँ के नेता हैं, पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री जी, सबसे हमने रायशुमारी की है, सबसे बात किया है। सभी ब्लॉक के जो हमारे अध्यक्ष हैं और वहाँ के जो सक्रिय साथी हैं, जो हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, जो हमारे AICC के मेंबर हैं और ख़ास करके मोर्चा संगठन विभाग और प्रकोष्ठों के जो हमारे अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, हमने दो दिनों से कल सामूहिक बैठक करके सबसे बात जानने का कोशिश किया और आज हम व्यक्तिगत रूप से सबसे मिले हैं और उनकी भावना को जानने का प्रयास किया है। जो निष्ठावान साथी हैं, जिन्होंने सदस्यता किया है और लगातार कांग्रेस के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भागीदारी करते हैं, जो कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस के विभिन्न पदों पर समायोजित और नियुक्त किया जाएगा। इस काम के लिए हम यहाँ आए। मुद्दा है पाखंडियों से देशवासियों को सावधान होना चाहिए। जिस प्रकार से उदयपुर में और जम्मू कश्मीर में आतंकी हत्या की घटनाएं हुई हैं और उनके कनेक्शन जिस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आ रहे हैं अपराधियों के, तो देश को सतर्क हो जाना चाहिए और देशवासियों को का कर्तव्य बनता है कि जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं जिनका देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।